इस वीडियो में हम लोग सिख एम्पायर क्वेश्चन नंबर 51 to 100 डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में तथ्य है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो आपको बेसिक रूप से, मूल रूप से जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज द फिफ्थ गुरु ऑफ द सिक्स, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। तो 51 का सही ऑप्शन है डी। 52 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ, जो सिखों का रिलीजियस बुक है आदि ग्रंथ, इसका संकलन किसने किया? गुरु अर्जन देव। 52 का सही आंसर है डी, गुरु अर्जन देव। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है डी, गुरु अर्जन देव। 52 का भी सही आंसर है डी, गुरु अर्जन देव। 53, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री दरबार साहिब, ऑल्सो नोन एज गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इज ऑल्सो नोन एज श्री दरबार साहिब। श्री दरबार साहिब जो कि अमृतसर में स्थित है, जिसको हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किसने पूरा किया? हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन? अगेन इसका भी आंसर गुरु अर्जन देव ही हैं। तो 53 का सही आंसर डी, गुरु अर्जन देव। 54, हु फाउंडेड द टाउन ऑफ तारन तारन साहिब नियर गोइंडवाल साहिब? गोइंडवाल साहिब के पास एक शहर है तरन तारन साहिब। सवाल ये है कि ये तरन तारन साहिब, इस शहर की स्थापना किसने की? तो 54 का भी सही आंसर है डी, गुरु अर्जन देव। डी, गुरु अर्जन देव। 55, Who is known as Sahidan De Sardaj? Sahidan De Sardaj, कौन से सिख के किस गुरु को यह नाम दिया गया था? शाहजहां, माफ कीजिएगा, मुगल सम्राट जहांगीर, गुरु अर्जन देव को मृत्यु दंड दिए थे, और इसी कारण गुरु अर्जन देव को शहीदन दे सारताज कहा जाता है। इनफैक्ट इन द सिख हिस्ट्री गुरु अर्जन देव ही बिकेम द फर्स्ट मार्टियर बिकॉज एम्परर जहांगीर ऑर्डर्ड हिज एग्जीक्यूशन एंड दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज शहीदन दे सरताज। तो 55 का सही आंसर है डी। अब गुरु अर्जन देव के बारे में जितना हम लोग को जानना चाहिए काफी है। 56, क्वेश्चन नंबर 56, हु वॉज द सिक्स गुरु ऑफ द सिख, सिखों के छठे गुरु कौन थे? पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव थे। क्वेश्चन है कि छठे गुरु, सिक्स गुरु कौन थे? तो सिक्स गुरु थे गुरु हर गोविंद साहिब। गुरु हर गोविंद साहिब, ही वॉज द सिक्स गुरु ऑफ द सिक्स। तो 56 का सही आंसर है ए। 57, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सन ऑफ गुरु अर्जन देव, जो पांचवें गुरु अर्जन देव थे उनके पुत्र कौन थे? तो गुरु अर्जन देव जो पांचवें गुरु थे, पांचवें सिख गुरु थे, उनके पुत्र गुरु हरगोविंद साहिब थे, जो कि छठे गुरु बने। सो 57, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सन ऑफ गुरु अर्जन देव, ही वॉज गुरु हरगोविंद साहिब। 57 का सही ऑप्शन है ए। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज अ सोल्जर सेंट, निम्नलिखित में से किसे सैनिक संत, कौन से गुरु, सिख के कौन से गुरु को सैनिक संत के रूप में जाना जाता था? तो गुरु हरगोविंद साहिब को, गुरु हरगोविंद साहिब को सोल्जर सेंट या
सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। तो 58 का सही आंसर है ए, गुरु हरगोविंद साहिब। अब हम लोग देखेंगे कि इनको गुरु हरगोविंद साहिब को सोल्जर सेंट या सैनिक संत क्यों कहा जाता है। तो 59 चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट गुरु टू टेक अप आर्म्स टू डिफेंड सिखिज्म। सिख धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाले पहले गुरु कौन थे। तो गुरु हरगोविंद साहिब थे, इसलिए इनको सोल्जर सेंट या सैनिक संत के नाम से जाना जाता है। 59 का सही ऑप्शन है ए, गुरु हरगोविंद साहिब। क्वेश्चन नंबर 60। हु वेज्ड वॉर्स अगेंस्ट द मुगल रूलर्स जहांगीर एंड शाहजहां। मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले कौन थे। तो वही हमारे छठे गुरु सोल्जर सेंट गुरु हरगोविंद साहिब। 60 का भी सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 61। गुरु हरगोविंद साहिब क्या किए थे कि अकाल तख्त की स्थापना किए थे और सिंह जो साम्राज्य है इसका एक संप्रभुता सोवरेंटी बनाए। उसी पे क्वेश्चन नंबर 61 है। विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज डिक्लेयर्ड सिख सोवरेंटी बाय द क्रिएशन ऑफ द अकाल तख्त। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त के निर्माण के द्वारा सिख संप्रभुता की घोषणा की। तो गुरु हरगोविंद साहिब, गुरु हरगोविंद साहिब। 61 का भी ए। अमृतसर, जो आज हम लोग अमृतसर देखते हैं, अमृतसर के चारों तरफ किला है, फोर्ट है, तो ये किला किसने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 62 यही है। हु एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट टू डिफेंड अमृतसर। अमृतसर की रक्षा के लिए किले की स्थापना किसने की थी। गुरु हरगोविंद साहिब। तो गुरु हरगोविंद साहिब अमृतसर की रक्षा के लिए वहां पे किले का निर्माण किए थे। 62 का ए। हु जेल्ड गुरु हरगोविंद एट ग्वालियर। ग्वालियर में गुरु हरगोविंद जी साहिब को किसने जेल में डाला। तो जहांगीर। 63 का सही ऑप्शन है सी, जहांगीर। तो गुरु हरगोविंद वॉज जेल्ड एट ग्वालियर बाय जहांगीर। ग्वालियर में गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने जेल में डाला। 64। हु टुक ऑफेंस एट गुरु हरगोविंद सोवरेंटी एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ असॉल्ट ऑन अमृतसर फोर्स द सिख्स टू रिट्रीट टू द शिवालिक हिल्स। देखिए क्वेश्चन समझिए। गुरु हरगोविंद सिंह साहेब एक संप्रभुता बनाए सिखों का और इसके लिए अकाल तख्त की स्थापना हुई और अमृतसर की रक्षा के लिए चारों तरफ किला बनाए, फोर्ट बनाए। शाहजहां इस बात से काफी बेचैन हो गए और अमृतसर पे उनका आक्रमण अटैक हो गया। परिणाम स्वरूप गुरु हरगोविंद सिंह साहिब को पीछे हटना पड़ा और शिवालिक के पहाड़ों में जाके वो यानी बस गए। क्वेश्चन नंबर 64 यही है। गुरु हरगोविंद की संप्रभुता पर किसने वार किया और अमृतसर पर हमलों की श्रृंखला के बाद सिखों को शिवालिक पहाड़ियों पर पीछे हटने के लिए मजबूर किया। तो वो मुगल सम्राट थे शाहजहां। 64 का सही ऑप्शन है डी। अब गुरु हरगोविंद साहिब जी के लिए जितनी भी जरूरी तथ्य है हम लोग को बीपीएससी के लेवल तक जानने का वो हम लोग कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। अब हम लोग दूसरे गुरु पे चलते हैं। हु वॉज द पांचवा कर लिए, छठा कर लिए, अब सेवेंथ गुरु पे चलते हैं। हु वॉज द सेवेंथ सिख गुरु, सातवें सिख गुरु कौन थे। गुरु हर राय साहिब, गुरु हर राय साहेब। 65 का सही ऑप्शन है बी। हु वॉज द सेवेंथ सिख गुरु, गुरु हर राय साहेब। 65 का सही आंसर है बी। हु गेव शेल्टर टू दारा सिखो द एल्डेस्ट सन ऑफ मुगल रूलर शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिखो
को किसने आश्रय दिया था? शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे दारासी को, और बगावत के कारण उनको अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा। सवाल उठता है कि उनको संरक्षण, उनको आश्रय कौन से गुरु दिए? तो गुरु हर राय साहिब, 66 का सही ऑप्शन है बी। 67, औरंगजेब इस समय गद्दी में थे और मुगल शासकों से एक सिख गुरु थे जो कि नहीं चाहते थे भिड़ना, और वो अपने मिशनरी कार्य में, धार्मिक कार्यों में लगे रहना चाहते थे। क्वेश्चन 67 उसी पे है। हु कॉशियसली अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट विद एम्परर औरंगजेब एंड डिवोटेड हिज एफर्ट्स टू मिशनरी वर्क? सम्राट औरंगजेब के साथ संघर्ष से सावधानी से किसने परहेज किया और अपने प्रयासों को, अपने समय को मिशनरी कार्य के लिए कौन समर्पित कर दिया? औरंगजेब मुगल सम्राट से वो संघर्ष नहीं करना चाहते थे, कौन थे वो गुरु? तो वो गुरु थे गुरु हर राय साहिब, 67 का सही ऑप्शन है बी। गुरु हर राय साहिब हो गया। अब हम लोग आठवें गुरु पे चलते हैं। हु वॉज द एट्थ गुरु ऑफ द सिक्स? सिखों के आठवें गुरु कौन थे? सिखों के आठवें गुरु गुरु हर कृष्ण साहिब थे, गुरु हर कृष्ण साहिब। तो 68 का सही ऑप्शन है सी। हिंदी में जो है एक मिस्टेक आ गया, यहाँ पे गुरु हर कृष्ण साहिब लिखिएगा, है ना? तो सही ऑप्शन है 68 का सी, गुरु हर कृष्ण साहिब, ये गलत हो जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, और सही आंसर है गुरु हर कृष्ण साहिब। 68 का सही ऑप्शन है गुरु हर कृष्ण साहिब। हिंदी मीडियम के लिए बच्चे जरा मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लीजिए। 69, जो भी हम लोग 10 सिख गुरु देखते हैं उसमें सबसे यंग कौन थे, सबसे कम उम्र में कौन गुरु बने थे? क्वेश्चन नंबर 69 यही है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सिख गुरुज? निम्नलिखित में से कौन सभी सिख गुरुओं में सबसे छोटा था? तो वो थे गुरु हर कृष्ण साहिब। वो 5 वर्ष के उम्र में ही, एट द एज ऑफ 5 ही बिकेम द गुरु। तो 69 का सही ऑप्शन है सी, गुरु हर कृष्ण साहिब। 70, औरंगजेब के समकालीन कौन थे? मुगल सम्राट औरंगजेब के कॉन्टेम्पररी कौन से गुरु थे? तो वो थे गुरु हर कृष्ण साहिब, गुरु हर कृष्ण साहिब। 70 का सही ऑप्शन है सी। औरंगजेब एक सिख गुरु को दिल्ली बुलाएं, अपनी राजधानी बुलाएं, और उन पे ये आरोप लगा कि आप इस्लाम विरोधी गतिविधि में हैं, यू आर अंडर द एक्टिविटीज ऑफ एंटी इस्लामिक। तो किस गुरु को औरंगजेब बुलाए थे? क्वेश्चन नंबर 71 ये है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज समन टू दिल्ली बाई औरंगजेब अंडर फ्रेम्ड चार्जेस ऑफ एंटी इस्लामिक ब्लास्फेमी? निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने इस्लाम विरोधी इस निंदा के आरोप के तहत दिल्ली बुलाया था? तो वो भी आपके गुरु हर कृष्ण साहिब हैं, गुरु हर कृष्ण साहिब। 71 का सही ऑप्शन है सी, गुरु हर कृष्ण साहिब। हमारा खत्म, आठवां गुरु खत्म। अब चलते हैं नौवें गुरु पे। क्वेश्चन नंबर 72, हु वॉज द नाइन्थ गुरु ऑफ द सिक्स? सिखों के नौवें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर साहिब। 72 का सही ऑप्शन है डी, गुरु तेग बहादुर साहिब। 73, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज एस्टैब्लिश द टाउन ऑफ आनंदपुर? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आनंदपुर शहर की स्थापना की थी? गुरु
तेग बहादुर साहिब। गुरु तेग बहादुर साहिब आनंदपुर शहर की स्थापना की थी। 73 का सही ऑप्शन है डी। 73 का सही ऑप्शन है डी। क्या था कि कश्मीरी पंडितों का धर्मांतरण हो रहा था और ये फोर्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा था औरंगजेब के द्वारा। एक सिख गुरु इस चीज का जबरदस्त विरोध किए। वो कौन से सिख गुरु थे? क्वेश्चन नंबर 74 यही है। हु अपोज्ड द फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ द हिंदू कश्मीरी पंडित्स बाय मुगल रूलर औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब द्वारा हिंदू कश्मीरी पंडितों के जबरन धन परिवर्तन का विरोध किसने किया? 74 का सही ऑप्शन है डी, गुरु तेग बहादुर साहिब। 74 का सही ऑप्शन है डी, गुरु तेग बहादुर साहिब। अब देखिए, औरंगजेब जो हैं चाहते थे कि उनके पसंद का कोई सिख गुरु बने। क्वेश्चन नंबर 75, ये गुरु तेग बहादुर साहिब की बात है, तो क्वेश्चन नंबर 75 इसी पे आधारित है। हु अटेम्प्टेड टू इंस्टॉल राम राय एज द न्यू गुरु, माने गुरु तेग बहादुर के बाद दसवें गुरु के रूप में औरंगजेब किसको चाहते थे? तो राम राय को नए गुरु के रूप में स्थापित करने का प्रयास किसने किया था? तो सही आंसर है औरंगजेब। 75 का सही ऑप्शन है डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 10, दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब पे आते हैं। हु वॉज द 10th गुरु ऑफ द सिक्स, सिखों के दसवें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह साहिब। 76 का सही ऑप्शन है ए। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा दल खालसा की स्थापना की है। क्वेश्चन 77 उसी पे है। हु अमंग द फॉलोइंग गुरुज क्रिएटेड द खालसा इन 1699, निम्नलिखित में से किस गुरु ने 1699 में खालसा की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह साहिब। 77 का सही ऑप्शन है ए। गुरु गोविंद सिंह ये कहे थे कि उनके बाद अब कोई गुरु नहीं होगा और सबको मार्गदर्शन के लिए ये गुरु ग्रंथ साहिब होगा। क्वेश्चन नंबर 78 इसी पर आधारित है। हु पास्ट द गुरुशिप ऑफ द सिक्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का गुरुत्व गुरु ग्रंथ साहिब को किसने सौंपा? गुरु गोविंद सिंह साहिब। 78 का सही ऑप्शन है ए। गुरु गोविंद सिंह कब गुरु बने, किस वर्ष गुरु बने? 79, when did Guru Gobind Singh assumed guruship? A, option 1675. Question number 80. Guru Gobind Singh को अपने गुरु की जो गद्दी थी उसको पोंटा, है ना, पोंटा स्थानांतरित करना पड़ा। तो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद को पोंटा में क्यों स्थानांतरित किया? क्योंकि वहां पे डर था जो शिवालिक पहाड़ के राजा थे उनके आक्रमण का, एक संघर्ष का भय बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाई डिड गुरु गोविंद सिंह मूव द गुरुशिप टू पोंटा टू अवॉइड बैटल विद शिवालिक हिल राजा? 80 का सही ऑप्शन है ए। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद को पोंटा में क्यों स्थानांतरित किया? शिवालिक हिल राजाओं या शिवालिक पहाड़ के राजाओं के साथ युद्ध से बचने के लिए। 80 का सही ऑप्शन है ए। गुरु गोविंद सिंह का पहला युद्ध जब वो 19 साल के थे तब हुआ। क्वेश्चन नंबर 81 इसी पे है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट बैटल to be fought by Guru Gobind Singh at the age of 19. निम्नलिखित में से कौन सा पहला युद्ध गुरु गोविंद सिंह द्वारा 19 वर्ष की आयु में लड़ा गया था?
देखिए, जितना भी आपको जो ऑप्शन में है, भंगानी की लड़ाई, नादौन की लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई, ये सारे युद्ध में गुरु गोविंद सिंह भाग लिए थे। क्वेश्चन ये है कि 19 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध कौन सा था जिसमें गुरु गोविंद सिंह भाग लिए थे? तो सही ऑप्शन है बैटल ऑफ भंगानी, भंगानी की लड़ाई। 81 का सही ऑप्शन है ए। 82, ये जो भंगानी का युद्ध था किसके किसके बीच में था? तो हु अमंग द फॉलोइंग वे इन्वॉल्व्ड इन द बैटल ऑफ भंगानी, निम्नलिखित में से कौन भंगानी की लड़ाई में शामिल थे? तो एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी थे और दूसरे तरफ बिलासपुर के भीम चंद। सो गुरु गोविंद सिंह वर्सेस भीम चंद ऑफ बिलासपुर, हु अमंग द फॉलोइंग वे इन्वॉल्व्ड इन द बैटल ऑफ भंगानी, गुरु गोविंद सिंह वर्सेस भीम चंद ऑफ बिलासपुर। 82 का है ए। अब हम लोग भंगानी की युद्ध के बारे में हम लोग को कैसे मालूम चला, या आज हम लोग इतिहास के पन्नों में भंगानी की युद्ध के बारे में जानते हैं, तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 83 इसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव्स अस अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल ऑफ भंगानी, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत हमें भंगानी की लड़ाई का विस्तृत विवरण देता है? तो आंसर है विचित्र नाटक, आंसर है विचित्र नाटक। 83 का सही ऑप्शन है ए। हम लोग देखे कि गुरु गोविंद सिंह को पोंटा स्थानांतरित होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 84 ये कहता है कि गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में निवास करते थे, हिज रेसिडेंस वॉज एट आनंदपुर, और आनंदपुर जो क्षेत्र है वो बिलासपुर के राजा भीमचंद, बिलासपुर पंजाब की बात कर रहे हैं, तो बिलासपुर के राजा भीमचंद के क्षेत्र में आता था। लेकिन तो भी कहा जाता है कि आनंदपुर साहेब जो है गुरु गोविंद सिंह जी का क्षेत्र था। हालांकि यदि आप देखेंगे एरिया टेरिटरी देखेंगे तो आनंदपुर बिलासपुर के राजा के क्षेत्र में पड़ता था, लेकिन तो भी आप लोग इतिहास में देखिएगा तो भी ये कहा जाता है कि नहीं, ये आनंदपुर गुरु गोविंद सिंह जी का ही क्षेत्र था। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वहाँ का जो बंजर भूमि था उसको हम लोग मखवाल करते थे, ये वो गुरु तेग बहादुर इसको खरीदे थे, और गुरु तेग बहादुर ही वहाँ पे एक शहर बसाएं चकनानक का, है ना, चकनानक का बस्ती शहर बसाया गया गुरु तेग बहादुर के कारण ही। सो 84 क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह रेसाइडेड एट आनंदपुर विच वॉज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ राजा भीमचंद ऑफ बिलासपुर, इवन दो इट इज सेड दैट आनंदपुर साहिब वॉज एन ऑटोनोमस रीजन हेल्ड बाय गुरु गोविंद सिंह, वाई? ए ऑप्शन इज करेक्ट, द बैरन लैंड ऑफ मखवाल वॉज परचेज बाई गुरु तेग बहादुर एंड द टाउनशिप ऑफ चक नानक वॉज डेवलप्ड। 84 का सही ऑप्शन है ए और बी। 84 का सही ऑप्शन है ए और बी। हिंदी में देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में रहते थे जो बिलासपुर के राजा भीमचंद के क्षेत्र में स्थित था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि आनंदपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह के कब्जे वाला एक स्वायत्त क्षेत्र था। क्यों? मखवाल की बंजर भूमि गुरु तेग बहादुर द्वारा खरीदी गई थी, ए सही है, और चक नानक की बस्ती का विकास किया गया था। ए और बी दोनों मिला के सही है। 85, एट हुज इन्विटेशन गुरु गोविंद सिंह शिफ्टेड हिज रेजिडेंस फ्रॉम आनंदपुर टू पोंटा। हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे कि आनंदपुर से लेके पोंटा जो गुरु गोविंद सिंह जी शिफ्ट किए थे वो शिवालिक पहाड़ों के राजाओं के लड़ाई से बचने के लिए, लेकिन ये पोंटा ही क्यों गए, किसी और जगह क्यों नहीं गए, लाहौर क्यों नहीं चले गए? क्वेश्चन 85 यही है, एट हुज इन्विटेशन गुरु गोविंद सिंह शिफ्टेड हिज रेजिडेंस फ्रॉम आनंदपुर टू पोंटा, किसके निमंत्रण पर गुरु गोविंद सिंह ने अपना निवास आनंदपुर से पोंटा स्थानांतरित कर दिया? तो सिरमुर के राजा थे मेदनी प्रकाश, उन्हीं के इनविटेशन पे। तो 85 का सही ऑप्शन है ए। भंगानी का युद्ध हुआ था, एक तरफ गुरु गोविंद सिंह थे, दूसरी तरफ बिलासपुर के भीमचंद।
अब सवाल उठता है कि कौन कौन भीमचंद के सहयोगी थे इस युद्ध में, भीमचंद के साथ में थे, राजा भीमचंद के साथ में थे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन सभी विकल्प। फतेह शाह थे, कृपाल थे, गोपाल थे, हरिचंद थे और केसरी चंद थे। तो 86 का डी सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। 87 गुरु गोविंद सिंह के तरफ से, भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के तरफ से कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, उदासी महंत थे और पठान भी थे। ऐसे बाद में पठान जो है उस लड़ाई से भाग निकले, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन फिलहाल जो भंगानी के लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के सहयोगी थे उसमें सिख शिष्य उदासी महंत और पठान तीनों थे। 87 का डी ऑप्शन। ऐसा कहा जाता है कि पठान जो है, भंगानी का जो युद्ध था, पठान गुरु गोविंद सिंह को धोखा देके युद्ध से वापस आ गए। क्वेश्चन 88 है कि कौन कौन से पठान भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह को धोखा दिए? तो याद रखिएगा, पठान के बहुत समुदाय थे, लेकिन जो समुदाय काले खान पठान के थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहे, लेकिन भिखन खान, नजाबत खान, हयात खान, उमर खान, ये लोग सबको ही धोखा दे दिए। क्वेश्चन 88 यही है, निम्नलिखित पठानों में से किसने भंगानी की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह को छोड़ दिया था? तो बी ऑप्शन भिखन खान, नजबत खान और सी ऑप्शन हयात खान और उमर खान। काले खान गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे। तो 88 का सही ऑप्शन है बी और सी, ये लोग धोखा दिए थे और काले खान गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे। 89 हु वॉज बीबी वीरो, बीबी वीरो कौन थी? गुरु हरगोविंद सिंह की बिटिया, गुरु हरगोविंद सिंह की बेटी का नाम बीबी वीरो था। तो हु वॉज बीबी वीरो, गुरु हरगोविंद सिंह डॉटर। बीबी वीरो कौन थी? गुरु हरगोविंद सिंह की बेटी। 89 का ए। अब हम लोग ये सोचेंगे कि भाई बीबी वीरो का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि उनके बच्चे गुरु गोविंद सिंह के साथ थे भंगानी के युद्ध में। ये सिर्फ नाम जान लीजिएगा कौन कौन उनके बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 90 वही है, हु अमंग द फॉलोइंग सन्स ऑफ बीबी वीरो पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ भंगानी एज गुरु सोल्जर्स? बीबी वीरो के निम्नलिखित पुत्रों में से किसने भंगानी के लड़ाई में गुरु के सैनिकों के रूप में भाग लिया था? सांगोसा, जीतमल, गुलाब चांद, महरी चंद और गंगाराम। तो 90 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। ठीक है, भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के एक सहयोगी थे जिसको गुरु गोविंद सिंह बोले कि आप महाभारत के द्रोणाचार्य जैसे। क्वेश्चन 91 इसी पे संदर्भित है, इन द बैटल ऑफ भंगानी हुम द गुरु इक्वेट्स विद द्रोणाचार्य ऑफ महाभारत? आंसर इज डी, दया राम। भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह महाभारत के द्रोणाचार्य के साथ किसकी तुलना करते हैं? तो आंसर है डी, दया राम। क्वेश्चन नंबर 92, एक और युद्ध हुआ था जिसको हम लोग मुक्तसर का युद्ध कहते हैं। 92, व्हेन डिड द बैटल ऑफ मुक्तसर टुक प्लेस? मुक्तसर का युद्ध कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1705। 92 का सही ऑप्शन है ए। 93, ये जो मुक्तसर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? मुख्यतः ये गुरु गोविंद सिंह बनाम मुगलों के बीच हुआ था और मुगल के सहयोगी थे शिवालिक पहाड़ के राजा भी। क्वेश्चन नंबर 93, हु अमंग द फॉलोइंग वे इन्वॉल्व्ड इन द बैटल ऑफ मुक्तसर? गुरु गोविंद सिंह वर्सेस मुगल्स एंड हिल चीफ्स। 93 का सही ऑप्शन है ए, मुक्तसर की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे?
गुरु गोविंद सिंह बनाम मुगल और पहाड़ी प्रमुख राजा। 94, एक नाम सुनेंगे हम लोग, बंदा सिंह बहादुर। क्वेश्चन 94 ये है, बंदा सिंह बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा सिंह बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था, लक्ष्मण। तो 94 का सही ऑप्शन है बी, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा सिंह बहादुर? लक्ष्मण देव। बंदा सिंह बहादुर का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव। अब जरा बंदा सिंह बहादुर के बारे में हम लोग जान जाए। बंदा सिंह बहादुर कौन थे? वो एक सिख योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, वो खालसा सेना के कमांडर भी थे और पहले वो एक तपस्वी भी थे। तो 95, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बंदा सिंह बहादुर? ही वॉज अ सिख वॉरियर, ही वॉज अ कमांडर ऑफ खालसा आर्मी, ही वॉज एन एसेटिक। सो 95 का डी ऑल द ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन बंदा सिंह बहादुर के लिए सही है? वो एक सिख योद्धा थे, वो खालसा सेना के कमांडर थे, वो एक तपस्वी थे। 95 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 96, जब बंदा सिंह बहादुर एसेटिक का जीवन जी रहे थे, एक तपस्वी के रूप में जाने जाते थे, तो उस समय उनका क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 96, हाउ वॉज बंदा सिंह नोन एज एन एसेटिक? बंदा सिंह को एक तपस्वी के रूप में कैसे जाना जाता था? उनका नाम था माधोदास बैरागी, उनका नाम था माधोदास बैरागी। 96 का सही ऑप्शन है ए। 97, हु गेव द नेम बंदा सिंह बहादुर टू लक्ष्मण देव? माधो सिंह बैरागी या लक्ष्मण देव, उनको बंदा सिंह बहादुर का नाम कौन दिया? तो बंदा सिंह बहादुर का नाम लक्ष्मण देव को गुरु गोविंद सिंह साहिब दिए थे। तो 97, हु गेव द नेम बंदा सिंह बहादुर टू लक्ष्मण देव? ऑप्शन इज ए, गुरु गोविंद सिंह साहिब। लक्ष्मण देव को बंदा सिंह बहादुर नाम किसने दिया? तो गुरु गोविंद सिंह साहिब। 98, वेयर डिड माधोदास बैरागी एस्टैब्लिश अ मोनेस्ट्री? माधोदास बैरागी की मठ थी, वो मठ कहाँ थी? नांदेड में, नांदेड में। तो 98 का सही ऑप्शन है ए। 99, गुरु गोविंद सिंह बंदा सिंह बहादुर से कब मिले? When did गुरु गोविंद सिंह विजिटेड बंदा सिंह बहादुर? In 1708। 99 का सही ऑप्शन है बी, 1708। गुरु गोविंद सिंह बंदा सिंह बहादुर से कब मिले थे? तो 1708 में। 99 का बी ऑप्शन। 100, What was the first major action of बंदा सिंह बहादुर after his baptism? बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ये नाम दिए, फिर उनको सिख धर्म में उनको सम्मिलित किए, और सिख धर्म में सम्मिलित होने के बाद वो खालसा सेना के कमांडर ही बने। तो खालसा सेना के कमांडर बनने के बाद पहला काम क्या किए? पहला काम किए कि जो मुगलों का प्रांतीय राजधानी थी समाना, उसको ख़त्म कर दिए, है ना, उसको अपने अधीन में ले लिए। दूसरा है कि पंजाब में खालसा शासन की स्थापना किए, और तीसरा जमींदारी जो प्रथा था, जमींदारी व्यवस्था था, उसका उन्मूलन खत्म कर दिया। एनीवे, क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर एक्शन ऑफ बंदा सिंह बहादुर आफ्टर हिज बैप्टिज्म? बैप्टिज्म के बाद, सिख धर्म के आने के बाद बंदा सिंह बहादुर की पहली बड़ी कार्रवाई क्या थी? तो मुगल प्रांतीय राजधानी समाना की बर्खास्ती। 100 का सही ऑप्शन है ए, सैकिंग ऑफ द मुगल प्रोविंशियल कैपिटल समाना। क्वेश्चन नंबर 100 का सही ऑप्शन है ए। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा सिख एम्पायर पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग सिख एम्पायर 2 करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।